स्टूडेंट्स, मैं गरिमा त्यागी, मैं एक लेक्चरर हूँ एमबीए कॉलेज के अंदर। मैं कोटा राजस्थान इंडिया से हूँ और मैं आपको मुनावी इंडिया के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। मुनावी इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो हमें हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए हमें कुछ प्रोडक्ट्स देती है, और ये जितने भी प्रोडक्ट्स मुनावी इंडिया हमें प्रदान कर रही है, ये सारे प्रोडक्ट्स जूसेस की फॉर्म में है। इन प्रोडक्ट्स के अंदर मुख्यतः मुनावी एसेंशियल, मुनावी आरबीएल, मुनावी एमवीपी, मुनावी पल्स और मुनावी वेट मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कई मिलियन डॉलर की रिसर्च के बाद बनाए गए हैं। और पहली चीज जो हमें, एक तो ये स्वास्थ्य के लिए हमें कुछ प्रोडक्ट्स दे रही है, दूसरी चीज मुनावी इंडिया जो है आपको एक ऐसा कंपनसेशन प्लान देती है जिसके द्वारा आप पैसा अर्जित कर सकते हैं। मुनावी इंडिया के जो कंपनसेशन प्लान है, उस प्लान के अंदर 8 तरीके हैं जिनके द्वारा आप इनकम अर्न कर सकते हैं। इसमें जो पहला तरीका है वो तरीका है डायरेक्ट सेल्स। डायरेक्ट सेल्स का मतलब क्या है, जैसे कि आप अगर चाहते हैं तो ये आपको नेट पे से पूरा का पूरा ब्रोशर मिल जाएगा जिसके अंदर आपको हर एक प्रोडक्ट की रेट लिस्ट मिलेगी, जिसमें हर प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होगा और मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगा। तो जब आप मुनावी से कोई भी प्रोडक्ट एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करते हैं, उसके ज्वाइनिंग के लिए भी आपका जो फॉर्म है वो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप ज्वाइनिंग के लिए यूज में ले सकते हैं। तो जब आप उसको ज्वाइन करते हैं तो आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के ऊपर, और उस डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में और जो नॉर्मल मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि एमआरपी है उसके बीच में कुछ परसेंटेज का अंतर होता है। तो इसलिए अगर आप उसको सेल करेंगे तो आपको उससे मिलता है 8 से 25% का बेनिफिट। तो यानी आप डायरेक्ट सेल करके भी कुछ प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं और आप बेनिफिट उठा सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है टॉप रिटेलर बोनस। टॉप रिटेलर बोनस का मतलब है कि अगर आप प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, आप उसको रिटेल करते हैं, तो उसमें जो सबसे ज्यादा रिटेल करने वाले लोग हैं यानी कि पहले 3 लोग, उनको कंपनी बोनसेस प्रदान करती है, वो बोनसेस कहलाते हैं टॉप रिटेलर बोनस। इनका अमाउंट है 43,000, 21,500 और 10,780 फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रिटेलर्स के लिए। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको रिटेलिंग पे इतना ध्यान नहीं देना क्योंकि इसमें इतना ज्यादा पैसा नहीं है, आपको मेन जो ध्यान देना है वो ज्वाइनिंग के ऊपर देना है। तो अब हम आते हैं कि अगर हम ज्वाइन करते हैं और उसके बाद में किसी दूसरे पर्सन को स्पॉन्सर करते हैं तो उसमें हमें कौन कौन से बोनसेस कंपनी दे सकती है। इसमें सबसे पहले जो हमको बोनस मिलता है वो कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर बोनस। फर्स्ट ऑर्डर बोनस क्या है, जैसे आप ज्वाइन करते हैं, आपने ज्वाइन किया 100 पीवी से जिसमें आपको इन्वेस्ट करना होता है 8,000 रूपये। जब आप इन्वेस्ट करते हैं 8,000 रूपये से और उसके बाद में फिर आप एक दूसरे बंदे को ज्वाइन कराते हैं जैसे ए, इसने भी 100 पीवी से ज्वाइन किया, तो जैसे ही आप एक पर्सन को ज्वाइन कराएंगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर बोनस। फर्स्ट ऑर्डर बोनस यानी कि आपको मिलते हैं 860 रूपये। अब मान लीजिए आपने 100 पीवी से नहीं ज्वाइन किया, 100 पीवी से एक्टिव नहीं होते हो, आप एक्टिव होते हो 50 पीवी से, क्योंकि मिनिमम जो हमें एक्टिव होने के लिए पीवी चाहिए वो 50 पीवी होते हैं। तो जितना भी आपको यहाँ पर ये बोनसेस मिल रहा है उस बोनसेस का हाफ हो जाएगा यानी कि 430 रूपीज। तो इसलिए आपको एक्टिव होना है तो 100 पीवी के साथ एक्टिव होना है। अब इसी तरीके से अगर आप एक दूसरे पर्सन को ज्वाइन कराते हैं, सपोज बी 100 पीवी से, तो इसमें भी आपको 860 मिलते हैं क्योंकि आपने किससे ज्वाइन किया था, 100 पीवी से, तो आपका यहाँ पर एक स्टार बन जाता है। इसी तरीके से ये जो आपने ज्वाइन किया ए और बी, आपको क्या करना है, आपको इनको भी स्टार बनाना है, यानी कि आपको ए के नीचे 2% लेके आने हैं और बी के नीचे
से भी दो पर्सन लेके आने हैं और इनको भी ज्वाइन कराना है 100 पीपी के साथ में। तो जब आप इस तरह से ए और बी को स्टार बनाते हैं तो आप कहलाते हैं स्टार मेकर, और आपको बोनस मिलता है स्टार मेकर बोनस। स्टार मेकर बोनस भी जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 860 रुपए, यानी आपको फिर दोनों तरफ से 860 रुपए मिलते हैं। तो जब आप स्टार बनाते हैं तो आपको मिलता है स्टार मेकर बोनस। तो इस तरह से आपको बोनसेस मिलते हैं। उसके बाद में जो अगला है वो है रैंक एडवांसमेंट बोनस। रैंक एडवांसमेंट बोनस हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारी रैंक्स हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं 200 पीवी के साथ में, 250 पीवी के साथ में। जैसे सबसे पहला जो रैंक है वो होता है 250 पीवी पर, दूसरा होता है 500 पीवी पर, और फिर अगला होता है 1000 पीवी पर। तो अभी जो आपने ज्वाइन कराया, तो आपने जब ए और बी को ज्वाइन कराया और ए और बी के बाद में दो दो लोग और ज्वाइन हुए, तो आपकी दोनों रैंक्स में कितने पीवी हो गए, 300। ठीक है, इट मीन्स आपने जो पहला रैंक था 250 उसको क्रॉस कर लिया। तो जब आप इस रैंक को क्रॉस करते हो तो आपको मिलते हैं 1100 रुपीज। उसके बाद में 500 के लिए 2200 रुपीज और 1000 के लिए 4000 रुपीज। तो इस तरह से जब आप रैंक एडवांस करते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग वहां पर बोनसेस मिलते हैं। तो ये कहलाते हैं रैंक एडवांसमेंट बोनस। इसके बाद में जो अगला बोनस आता है वो कहलाता है टीम बोनस। टीम बोनस क्या होता है कि जब हमारे पास में दो लेग्स हैं, एक लेफ्ट लेग है और एक राइट लेग है, तो लेफ्ट लेग जो होता है इसके अंदर उसको हम बोलते हैं पावर लेग, और राइट लेग जो होता है वो हमारा खुद का लेग होता है। इसके अंदर जब आप 300 पीवी कर लेते हैं तो मिनिमम 300 पीवी से स्टार्ट होता है हमारा टीम बोनस। 300 पीवी अगर आपकी लोअर लैग में होंगे, जो कम आपका लैग होता है उसका आपको मिलता है 10%। तो जैसे अगर आपने 300 पीवी किया तो आपको इसका 10% मिलेगा, यानी कि 30 GPU। तो इसके अकॉर्डिंग आपको फिर जो बोनसेस मिलता है वो कहलाता है टीम बोनस। तो आपकी जो भी कम पीवी की लैग होगी उसका आपको 10% ऑलवेज मिलेगा, वो आपका कहलाएगा टीम बोनस। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो कहलाता है हमारा ग्रोथ बोनस। ग्रोथ बोनस क्या होता है कि ये आपकी ग्रोथ को डिफाइन कर रहा है। दैट मींस कि अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल में मूव करते हैं, जैसे कि जो हमारा मिनिमम लेवल है वो कहलाता है ब्रॉन्ज, उसके बाद में सिल्वर, देन गोल्ड, देन रूबी। इस तरह से हमें अलग अलग लेवल्स इसके अंदर मिलते हैं। तो जब हम ब्रॉन्ज लेवल अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दोनों लैग्स में 2000 पीवी करने होते हैं बोथ लैग। दैट मीन्स 20 ज्वाइनिंग इन बोथ लैग्स। तो जब आप ब्रॉन्ज लेवल अचीव करते हैं तो अगर आप इसको अचीव करते हैं तो आपको 1 वीक के अंदर इसको अचीव करना है। मैक्स टू मैक्स अगर आप कर सकते हैं तो इसको 1 मंथ में अचीव करना होता है। और इसके थ्रू जो आपको अमाउंट मिलता है वो होता है 17,500 से लेकर के 64,000 तक का इनकम पर वीक। तो ये इनकम अच्छा इनकम है जो आप ब्रॉन्ज लेवल पर अचीव कर सकते हैं। उसके बाद में जो बाकी लेवल्स आते हैं, जैसे कि सिल्वर लेवल, गोल्ड लेवल, रूबी लेवल, तो अगर आप और लेवल्स अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 26,000 से लेकर के 86,000 तक। उसके बाद में गोल्ड अगर आप अचीव करते हैं तो 47,500 से लेकर के 10,750 तक। और उसके बाद में अगर हम लेते हैं तो ₹2,15,000 तक। और इसमें आपको ट्रिप भी मिलता है रूबी में। इसके बाद में नेक्स्ट है
एम्ब्रल्ड, डायमंड, ब्लू डायमंड, इसमें जो अभी आपका ट्रिप है दैट इज फॉर थाईलैंड। एम्ब्रल्ड का इनकम 1,40,000 से लेकर के 3,22,500 तक है। इसी तरह से ब्लू डायमंड का इनकम है 4,30,000 से लेकर के 8,60,000 तक। तो इस तरह से जो हमें अमाउंट मिल रहा है वो कहलाता है हमारा ग्रोथ बोनस। तो ये ग्रोथ बोनस जो है वो आप अचीव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ज्वाइनिंग्स ऑन द बोथ लेग्स। जितना आप ज्वाइनिंग करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग, जैसे ब्रॉन्ज में मैंने बताया आपको कि आपको 20 ज्वाइनिंग चाहिए ईच लेग में, सिल्वर के लिए आपको 30 चाहिए, इसी तरह से गोल्ड के लिए 40। तो इस तरह से आप जितना ज्वाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद में क्या आता है एग्जीक्यूटिव चेक मैच बोनस। एग्जीक्यूटिव चेक मैच एक ऐसा बोनस है जो आपका 7 जनरेशन तक यूज में आता है। ये बोनस वो बोनस होता है कि सपोज कोई पर्सन एक्टर नहीं है तो उसका जितना भी अमाउंट जो है वो एक जगह पर एक्यूमुलेट होता रहता है और उसके बाद में वो जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, वो बाद में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वो कहलाता है आपका एग्जीक्यूटिव चेक मैच बोनस। जो मेन चीज है मुनावी का जो प्लान है वो प्लान में क्या है कि जो आपका लैग्स है, जैसे आप अगर बोनसेस लेते हैं तो जो आपका लोअर लैग है उसका आपका पीवी खत्म हो जाता है, पर जो आपका लार्जर लैग है उसका पीवी हमेशा कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, वो कभी भी लैप्स नहीं होता। इट मीन्स कि आपको एक्टिव रहना है, अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो वो लैप्स हो जाएगा। तो अगर आप एक्टिव रहते हो तो वो आपका एक्यूमुलेट होता रहेगा नेक्स्ट ईयर अप टू नेक्स्ट ईयर। तो आप उसको कभी भी यूज करना चाहें तो आप उसको यूज में ले सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपके 8 वेज है जिसके थ्रू आप मुनावी इंडिया के थ्रू इनकम अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ भी पता करना चाहते हैं तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसमें मेरा मोबाइल नंबर आप ले सकते हो, मेरा मोबाइल नंबर है 9414230870 और इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हो और आप ईमेल कर सकते हो मेरे ईमेल आईडी पर और फोन कर सकते हैं जब भी आप चाहें।